हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कानपुर मुंबई बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेन है कानपुर सेंट्रल से मुंबई बांद्रा टर्मिनस के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। हर बुधवार को ये कानपुर सेंट्रल से मुंबई बांद्रा टर्मिनस के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन का नाम है कानपुर मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है 28 घंटे 45 मिनट में कानपुर से मुंबई की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1615 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कानपुर से हर बुधवार को चलती है और ये जो ट्रेन है इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कानपुर सेंट्रल से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर लें। इसमें सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 2505 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, जीएसटी चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा थर्ड एसी के कोच का जो किराया है वो है 1720 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, जीएसटी चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा कानपुर सेंट्रल मुंबई बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के कोच भी है। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 650 रुपये के करीब, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है 370 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। दोस्तों, कभी आपने कानपुर से मुंबई के बीच में कभी किसी भी ट्रेन में सफ़र किया है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस ट्रेन में सफ़र किया है तो आपका ट्रेन एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। अगर इसके टाइम टेबल के बारे में बात करें तो कानपुर सेंट्रल मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है हर बुधवार को कानपुर सेंट्रल से शाम के 6:20 पे 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कानपुर अनवरगंज में पहुंचती है शाम के 6:30 पे और 6:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कन्नौज स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:32 पे और 7:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। फतेहगढ़ में ये ट्रेन जो है रात के 8:45 पे पहुंचती है और 8:47 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। फरुखाबाद जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:10 पे पहुँचती है और 9:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। कासगंज जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 10:40 पे पहुंची और 10:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। हाथरस सिटी में ट्रेन जो है रात के 11:38 पे पहुंचती और 11:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मथुरा कैंट में पहुंचती है रात के 1:05 पे और 1:07 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कानपुर मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है मथुरा जंक्शन में रात के 1:20 पे पहुंचती है और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन अचनेरा जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:20 पे और 2:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। राजस्थान के पहले स्टेशन भरतपुर जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 3:30 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सवाई माधोपुर जंक्शन में सुबह 5:53 पे पहुंचती है और 5:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। कोटा जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:00 पहुंचती है और 7:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। रामगंज मंडी जंक्शन राजस्थान में ट्रेन जो है सुबह 8:14 पे पहुंचती है और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के नगदा जंक्शन में सुबह 10:53 पे पहुंचती है और 10:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। नगदा जंक्शन में ये 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहाँ तक की जो दूरी है 931 किलोमीटर की ये कवर कर चुकी होती है। मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन रतलाम जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 11:30 पे पहुँचती है और 11:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है। गुजरात के गोधरा जंक्शन में दोपहर के 2:38 पे पहुँचती है और 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है। वडोदरा जंक्शन में ट्रेन जो है 3:42 पे पहुंचती है और 3:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। भारूच जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:30 पे पहुंचती है और 5:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है।
बारूद जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है सूरत गुजरात में पहुंचती है शाम के 6:40 पर, 6:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। वापी स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 8:06 पर पहुंचती है और 8:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। वापी स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन बोरीवली में पहुंचती है। बोरीवली में ये रात के 10:23 पर पहुंचती है और 10:26 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कानपुर सेंट्रल मुंबई बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन बांद्रा टर्मिनस मुंबई में रात के 11:05 पर पहुंचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ कानपुर मुंबई एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन